इस जगह से जो आपको आपको ये बटन दिख रहा है, इसको भी हम घुमा घुमा करके थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से एलपीजी गैस सेटिंग की अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं दोस्तों, एक यहाँ पर है, एक इसके ऊपर है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं दोस्तों प्रॉपर बता दूँ कि यहाँ पर जो वायरिंग है, यहाँ पर ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कार कभी बंद या स्टार्ट हो रही है बंद हो रही है तो यहाँ से भी आप अपनी कार की सेटिंग को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर वायरिंग जो है उसको चेक कर सकते हैं अंदर लेट करके, और यहाँ से अपनी कार के एलपीजी गैस को कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से भी, और ऊपर जो लगा है वहाँ से भी सेटिंग को ठीक कर सकते हैं अपनी कार के एवरेज और पिकअप को। तो दोस्तों तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर ये एलपीजी गैस किट लगी हुई है और ये है इको कार हमारी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। तो हमेशा बढ़िया रहना, मैं हूँ आपका दोस्त रामकृष्णा और आप देख रहे हैं हमारा न्यू इंटरेस्टिंग चैनल रामकृष्णा ब्लॉग। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाए दोस्तों। सो गाइस, आज के टॉपिक में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लोगों के पास इको कार, इको 7 सीटर, इको 5 सीटर कार है और गाइस आप लोग अपनी कार को एलपीजी गैस पर चलाते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम होती होगी एलपीजी गैस किट को लेकर के, एलपीजी फ्यूल को लेकर के दोस्तों। तो आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों। तो ये रही मेरी इको कार दोस्तों, और फाइनली मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोग अपनी कार को एलपीजी गैस पर चलाते हैं तो आप लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है दोस्तों। और गाइस, मैंने रिसेंटली अभी अपनी कार में 2 LPG सिलेंडर को रिफ़िल किए थे कल ही। और गाइस, तो दोस्तों मुझे कहीं बाहर जाना था बट मैं बाहर जा नहीं पाया। तो दोस्तों इसके पहले की प्रॉब्लम है हमारी कार की, स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर मैं अपनी कार को सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करता हूँ कहीं जाता हूँ तो। दोस्तों हमारी कार शुरुआत में स्टार्ट नहीं होती, पहले सेल्फ में हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, खिच 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 की आवाज़ आती है और गाइस पता नहीं क्या परेशानी है। और गाइस साथ साथ में हमारी कार का जो पेट्रोल है वो भी कम हो रहा है, उस पोजीशन में अगर सेट करके हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जो स्विच होता है जो हम ऑटो पे स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, मतलब कि गाड़ी जो हमारी है वो पेट्रोल पर स्टार्ट होती है और एलपीजी गैस पर चलती है। तो दोस्तों उस पोजीशन में हमारी कार का जो पेट्रोल है वो कम हो रहा है दोस्तों। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आप अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और आपकी कार पेट्रोल पर स्टार्ट होती है और एलपीजी गैस पर चलती है, फिर उसके बाद आपकी कार का जो पेट्रोल है टैंक में वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। तो गाइस अभी हम रिसेंटली बात करने वाले हैं एलपीजी गैस सेटिंग के बारे में कि जो हमारी कार है स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन माइलेज भी हमारी कार का बहुत कम है, और इसके पहले जो माइलेज था वो 280-250 के आसपास निकाल रही थी, बट मैंने जो सर्विस कराई बीच में एलपीजी गैस किट की, तो उसके बाद जो सिचुएशन मेरे साथ हुई है एलपीजी गैस किट को लेकर के दोस्तों, एलपीजी गैस माइलेज को लेकर के, तो दोस्तों उसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं आपको कि हम जब अपनी कार को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हमारी कार कंपन करती है, स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन कंपन करती है इस तरीके से, या कहीं ट्रैफिक में या कहीं ब्रेकर पर गाड़ी को स्लो करते हैं तो हमें ज़ोर से एक्सीलेटर को दबाना होता है, मतलब कि थोड़ा सा टाइट दबाना होता है पैर से, तब जाके हमारी कार निकलती है, और क्लच को हल्का सा हमें अप डाउन करना होता है पैर से वहीं के वहीं जब हमारी कार ब्रेकर से निकलती है जो स्पीड ब्रेकर होता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो आज हम आपको इस वीडियो बताने वाले हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप लोग क्या करें और गाइस कैसे सेट करें अपनी एलपीजी गैस किट की सेटिंग को कि आपकी कार कंपन ना करें और स्पीड ब्रेकर से आपकी कार आराम से निकल जाए। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में, और वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो को कहीं भी छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं एलपीजी गैस किट की सेटिंग कैसे करना है उसके लिए दोस्तों, और कैसे हम अपनी कार के माइलेज को प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें कि हमारी कार का जो माइलेज है वो कम ना हो और अच्छा पिकअप बने हमारी कार का चलने में, आपकी कार का पिकअप जो है वो टूटे ना और आपकी कार का जो माइलेज है वो भी कम ना हो। तो दोस्तों चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीट को खोल दिया है दोस्तों और सीटों कर दिया मैंने पीछे, जस्ट बिल्कुल पीछे कर दिया है। और गाइस यहाँ पर रहा हमारा जो एयर फिल्टर है,
इसको हमें साफ़ करना होता है टाइम टाइम से। पहले पहला मेन पॉइंट तो यही है दोस्तों कि अगर आप अपनी कार को एलपीजी गैस पर चला रहे हैं तो आप अपने एयर फिल्टर को टाइम टू टाइम साफ़ करते रहें, जिससे कि आपकी कार में कचरा जमा ना हो और आपकी कार का जो माइलेज और जो पिकअप है वो डाउन ना हो, क्योंकि एयर फिल्टर भी ज़रूरी होता है दोस्तों साफ़ करना। और गाइस यहाँ पर ये लॉक लगे हुए हैं, तो इनको आपको खोल करके एयर फिल्टर को साफ़ करना है। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ये जो मिक्सर लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर मिक्सर लगा हुआ है, तो पहले मेरी कार क्या फट फट करती थी चलने में, तो दोस्तों उसकी वजह से मैंने यहाँ पर मिक्सर को ऐड करवा दिया, जिससे हमारी कार अब फट फट नहीं होती है एलपीजी गैस पर। और गाइस यहाँ पर जो एयर फिल्टर होता है इसके अंदर टैपिंग की जाती है, अगर आपने देखा होगा जो पाइप है यहाँ पर टैप लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर टैप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पाइप को जब मूव होता है ना इस तरह का, इस मुँह पर 50% जगह पर टैप लगाया जाता है। बट अभी मैं खोल के नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि मैं कभी भी छेड़छाड़ी नहीं करता हूँ कार को लेकर के, कोई भी परेशानी होती है तो मैं मैकेनिक के पास जाता हूँ। दोस्तों आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आपको टैपिंग करनी है, उसके बाद आपकी कार कभी भी फटफट नहीं करेगी और आपकी कार का माइलेज जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और गाइस अब बात आती है कार स्टार्टिंग की और माइलेज की और पिकअप की। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्विच दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको बटन दिख रहा है गोल वाला, ये एलपीजी गैस किट का, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ये बटन दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको इसको इस बटन से क्या होगा कि आपका माइलेज जो है कम है इको कार का, तो आप इसकी जो चूड़ी होती है उसको घुमा करके एक चूड़ी खोल सकते हैं, और अगर आपका पिकअप अच्छा है और आपको माइलेज भी अच्छा मिल रहा है, मतलब कि खोल सकते हैं, मतलब कि माइलेज अच्छा हो, आपका पिकअप और माइलेज दोनों अच्छा हो गया, आपकी कार कंपन नहीं कर रही है, तो आप इसको उसी पोजीशन पर छोड़ दें और वहाँ पर आप मार्कर से मार्क कर दें, उस जगह पे चिन्हित कर दें कि आपने यहाँ पर सेट किया था और आपकी कार इस जगह पे अच्छा काम कर रही है चलने में। और गाइस इससे क्या होता है कि जो एलपीजी की जो जो स्पीड होती है वो थोड़ा सा अच्छी हो जाती है, जिससे कि आपकी कार का जो माइलेज है वो कम नहीं होता है और पिकअप भी अच्छा मिलता है आपकी कार को। तो दोस्तों उससे आपकी कार क्या है अच्छा परफॉर्म करेगी चलने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों इसके नीचे एक स्विच और होता है, उससे भी हम अपनी कार के जो पिकअप को जो माइलेज है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं उस जगह से, लेकिन अभी फ़िलहाल में मेरी कार का जो सिचुएशन जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, और मेरी कार कभी कभी क्या है कि कंपन करती है, अगर कार को मैंने स्टार्ट करके रख दिया तो कार कभी कभी, मतलब कि हर कभी 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 करती है। तो दोस्तों यहाँ से वो परेशानी दूर होगी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे सेट करना है अगर आपकी कार कंपन करती है जैसे कि मेरी कर रही है। तो चलिए कार के इंजन करते हैं पहले स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कार जो है ना, पहले तो न्यूट्रल कर देते हैं यहाँ पर, तो हमने कार को कर दिया न्यूट्रल, और अब यहाँ पर जो चाबी को मैंने ऑन किया, और गाइस यहाँ पर हम गाड़ी को स्टार्ट करने वाले हैं एलपीजी गैस पर। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर हमारी कार का जो भी मूड है वो ऑटोमेटिकली है, यहाँ पर गाड़ी हमारी पेट्रोल पर स्टार्ट होगी और एलपीजी पर हमारी कार चलेगी। तो दोस्तों इनको फ़िलहाल में मैं अभी यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इसको करता हूँ स्टार्ट। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो गाड़ी बंद हो रही है, एक बार में हमारी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो गाइस ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों तीसरे राउंड में हमारी कार स्टार्ट हुई है, और पहले राउंड में हमारी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसका भी एक क्या तरीका है, पेट्रोल तो हमारी कार में था लेकिन साथ साथ में पेट्रोल भी जा रहा है और हमारी एलपीजी गैस भी जा रही है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं कार को इस पोजीशन में नहीं चलाता हूँ, मैं अपनी कार को इसी पोजीशन में चलाता हूँ जिससे कि हमारी कार पेट्रोल पर स्टार्ट होगी और एलपीजी गैस पर चलेगी। दोस्तों जो कार है का इंजन है वो अभी इस तरीके से आवाज़ कर रहा है, और गाइस पूरी कार हमारी अभी कंपन कर रही है दोस्तों, ये कंपन नहीं होना चाहिए गाड़ी में, जो पहले नहीं था वो अब हो रहा है दोस्तों। तो फिलहाल में इसको ठीक करना है और इसके माइलेज को हमें भी इंक्रीज करना है कि माइलेज हमारा ठीक ठाक आए और हमारी कार का जो माइलेज है वो कम ना हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसको सेट करके देखता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कि आप अपने घर पर कैसे अपनी कार के माइलेज को इंक्रीज कर सकते हैं।
दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूँ। मैंने जो ये वाला जो आपको दिख रहा है एलपीजी गैसकेट पे लगा हुआ है जो बटन, उसको मैंने काफ़ी घुमा दिया है, मतलब कि काफ़ी खोल दिया है इस तरीके से। तो अब देखते हैं गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एलपीजी पर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी हमारी कार कंपन कर रही है, बिल्कुल जैसे स्मूथली कार हमारी होनी चाहिए, मतलब कि स्टार्ट होने के बाद बिल्कुल भी कहीं भी कंपन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे हाथ को भी, तो गाड़ी हमारी कंपन कर रही है दोस्तों। और अब फिलहाल में दोबारा से इसको देखते हैं एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप कि काफ़ी ज़्यादा कंपन करने लगी हमारी गाड़ी, हमने इसको और ऊपर कर दिया, मतलब कि वापस कर दिया है, इसको खोला नहीं, अब इसको लगा दिया मैंने स्विच को, मतलब कि अभी मैं खोल रहा था लेकिन इसको मैं लगा रहा हूँ। और देख सकते हैं कितना कंपन कर रही है दोस्तों हमारी गाड़ी। तो दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि इसको अगर हम लेफ़्ट साइड करेंगे ना, इसको हम लेफ़्ट साइड मतलब कि अपने लेफ्ट हैंड से अगर ऊपर करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारी कार का जो इंजन है, कार की पूरी बॉडी है वो कंपन कर रही है दोस्तों। देख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं आप चाबी से। दोस्तों अब मैं क्या करूँगा कि इसको वापस जैसा मैंने खोला था उसको फिर खोलता हूँ और फिर इसकी आवाज़ को और थोड़ा सा साउंडिंग को चेक कर लेता हूँ पहले, फिर खोलता हूँ। तो कार के इंजन को पहले स्विच करता हूँ और इसको फिर स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने उसको ऑन ऑफ कर दिया है, अभी मैंने उसको ऑन किया था, अब इसको मैंने ऑफ कर दिया है, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही दोस्तों और गाड़ी हमारी बंद हो रही है। तो देखते हैं दोबारा करके। तो देख सकते हैं दोस्तों कैसी आवाज आ रही है। तो दोस्तों मेरी कार देर में स्टार्ट हो रही है, मैंने इसको ऑफ कर दिया, अब इसको मैं ऑन करता हूँ, थोड़ा सा और नीचे लाता हूँ जो ये आपको दिख रहा है कैस्केड पर, तो इसको थोड़ा सा और नीचे लाता हूँ और आप देख ही सकते हैं कितना कंपन कर रही है हमारी गाड़ी। दोस्तों यहाँ से कंपन होना बंद हो रहा है धीरे धीरे और आपको साउंडिंग भी समझ में आ रही होगी इंजन की, कि साउंडिंग कैसी हो रही थी पहले और अब कैसी हो रही है।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जो एलपीजी गैस किट दिखाई दे रही है, जहां पर ये वायरिंग दिख रही है आपको यहां पर, ये दोस्तों यहां से भी अपन क्या कर सकते हैं, यहां से भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। इस जगह से जो आपको आपको ये बटन दिख रहा है, इसको भी हम घुमा घुमा करके थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से एलपीजी गैस सेटिंग की अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं दोस्तों, एक यहाँ पर है एक इसके ऊपर है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं दोस्तों प्रॉपर बता दूं कि यहाँ पर जो वायरिंग है, यहाँ पर ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कार कभी बंद या स्टार्ट हो रही है बंद हो रही है तो यहाँ से भी आप अपनी कार की सेटिंग को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर वायरिंग जो है उसको चेक कर सकते हैं अंदर लेट करके, और यहाँ से अपनी कार के एलपीजी गैस को कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से भी, और ऊपर जो लगा है वहाँ से भी सेटिंग को ठीक कर सकते हैं अपनी कार के एवरेज और पिकअप को। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर ये एलपीजी गैस किट लगी हुई है और ये है इको कार हमारी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी कार के सेटिंग को थोड़ा बहुत ठीक किया है, तो मतलब कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अभी फ़िलहाल में आपको मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्विच है हमारा वो एलपीजी गैस पर ही सेट है श्योर। और अभी यहाँ पर मैं सेल्फ लगाता हूँ दोस्तों, अभी ये हमारी कार एक बार में स्टार्ट नहीं हुई है और मैंने इसको यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है, तो अभी देखते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल में हमारी कार में जो है पेट्रोल नहीं है, और ये जो कार मैंने स्टार्ट की है पेट्रोल पर स्टार्ट नहीं की है, मैंने श्योर गैस पर ही स्टार्ट की है। और आप कार की साउंडिंग देख सकते हैं, कार बिल्कुल ज़्यादा कंपन नहीं कर रही है, इसके पहले बहुत ज़्यादा कंपन कर रही थी। और गाइस यहाँ पर हम इसको कर देते हैं पेट्रोल पर, तो आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी बंद नहीं हुई है। और अभी फ़िलहाल में दोस्तों मैंने अब कार को बंद कर दिया है, अब मैं पेट्रोल पर स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को और आपको दिखाता हूँ कि स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है। दोस्तों हमारी गाड़ी में अभी पेट्रोल है और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है पेट्रोल पर। लेकिन दोस्तों रात में जब मैं लौट रहा था गुरसराय से, तो हमारी कार का जो माल वो फ्यूल था वो ख़त्म हो गया था एलपीजी का। तो दोस्तों मैंने अपनी कार को पेट्रोल पर चलाया 8 किलोमीटर, लेकिन दोस्तों हमारी कार बहुत ही डाउन हो रही थी, दब रही थी पेट्रोल पर, पता नहीं कहां से क्या मिस्टेक हो गई थी। और गाइस जैसे मैं एक्सीलेटर को दबा रहा था, तो अभी तो फिलहाल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक्सीलेटर, लेकिन रात में कार बहुत डाउन हो रही थी दोस्तों, और हमारी कार पेट्रोल पर नहीं चल रही थी और एलपीजी पर तो बिल्कुल ही नहीं चल रही थी, क्योंकि एलपीजी फ्यूल ख़त्म हो गया था दोस्तों। जैसे ही मैंने इसको एलपीजी पर किया दोस्तों, हमारी कार का इंजन बंद हो गया। अब मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ, तो दोस्तों इस पोजीशन में हमारी कार स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी भी हरकत है, इसको भी ठीक करवाना है मैकेनिक को। मैं जा करके दिखाऊंगा, इसका प्रॉपर इलाज करवाऊंगा कि एक बार में हमारी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती है। तो गाइस आप लोग समझ चुके होंगे कि हमें अपनी कार की एलपीजी गैस सेटिंग को कैसे करना है और कैसे प्रॉपर अपने माइलेज को ठीक करना है। और अगर आप लोग परेशान हैं अपने माइलेज को लेकर के, अपनी पिकअप को लेकर के दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने घर पर अपनी एलपीजी गैस किट की सेटिंग से अपने माइलेज और पिकअप को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। और गाइस आपको अपनी कार को स्टार्ट पेट्रोल पर करना है और आपकी कार जो है एलपीजी पर ही चलेगी, एलपीजी गैस पर ही चलेगी, जैसे कि मैं करता हूँ हमेशा, और मैं कभी उसको नीचे नहीं करता हूँ ना कभी बीच में करता हूँ, क्योंकि अगर बीच में करेंगे ना तो एलपीजी पर हमारी कार स्टार्ट होगी और एलपीजी गैस पर ही हमारी कार चलेगी, जिससे कि हमारी इंजेक्टर चोक हो जाएंगे और हमारी कार नहीं चल पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कार को ऑटो कट पे ही लगाएं, जिससे कि आपकी कार पेट्रोल पर स्टार्ट होगी और एलपीजी गैस पर चलेगी दोस्तों। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाएँ दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, जय हिंद।